हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं राज चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में। जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस विषय में बात करने वाले हैं, फोटोशॉप के विषय में। फोटोशॉप में किसी इमेज के ऊपर जो फेंसेज होते हैं, यानी कि जो जाली होती है ऊपर से, कैसे उसको हम रिमूव करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप इस फोटो को देख रहे हैं, इस फोटो के ऊपर ये जो फेंसेज लगे हुए हैं जाली, इस जाली को हम कैसे रिमूव करें और फ़ोटो को क्लियर करें। तो दोस्तों, हम इसी वीडियो के विषय में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। यदि कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। यदि आप भी फोटोशॉप में स्मार्ट बनना चाहते हैं और एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और आप भी फेंसेस को रिमूव करना जान जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कैसे रिमूव किया जाता है और ध्यान से देखिए वीडियो अंत तक, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप भी जो है कि इसको रिमूव करना जान जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इस इमेज का लिंक दे दूंगा, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को वीडियो के नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उस बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो घंटे का चिन्ह है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, मूवी जो है कि 2.5 घंटे 3 घंटे की ध्यान लगा कर लोग देखते हैं, उसमें क्या होता है, आनंद मिलता है, लेकिन नॉलेज नहीं। दोस्तों, नॉलेज पूर्ण वीडियो 10 मिनट 5 मिनट की है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान लगा कर 10 मिनट ही वीडियो देख लीजिए तो आपको एक नॉलेज मिलेगा और आपको एक खुशी होगी कि हमने ये नॉलेज आज सीखा। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम फोटोशॉप में इमेज लेते हैं, ये इमेज हमारा हो गया जो जेल के पीछे है, किसी जाली के पीछे है, इस बिल्ली का इमेज। तो इसको रिमूव करने के लिए दोस्तों 5 सिंपल स्टेप हैं, इसको हम क्रॉस करेंगे साधारण तरीके से और आसानी से रिमूव कर सकेंगे। दोस्तों, हमको सबसे पहले किसी इमेज को ओपन करने के बाद, ये हमारा फोटोशॉप सीसी है 2020 वर्जन। तो दोस्तों, आपका दूसरा है तो उसमें भी सेम कार्य होगा, चिंता की कोई बात नहीं। दोस्तों, सबसे पहले आपको लेयर, किसी भी वर्जन में आप फोटोशॉप के विंडो से ही लेयर आता है, विंडो पे आप क्लिक करेंगे, आप यहां से लेयर लेंगे या F7 से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहां देखिए विंडो हमारा लेयर समाप्त हो गया, अब विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे तो यह हमारा लेयर हो गया। दोस्तों, यह हमारा लेयर है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लेयर को हम ओपन करके आज कोई ग्राफिक करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। ये तो हो गया ये लेयर बैकग्राउंड का, इसमें हम एक न्यू लेयर लेंगे, न्यू लेयर आप यहाँ से ले सकते हैं। ये हो गया दोस्तों, अगर ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ जो ये 3 डॉट बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, एक पैनल ऑप्शन है यहाँ नीचे, पैनल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यदि नॉन पे क्लिक करते हैं तो नॉन पे क्लिक कर देते हैं तो ये लेयर दिखाई तो देगा लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा किस चीज़ का लेयर है। तो दोस्तों, हमको इसको लार्ज में ही रखना है, पैनल ऑप्शन पर आइए, यहाँ लार्ज पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, हमारा ये लार्ज हो गया बड़ा में। अब दोस्तों, हमको इस फर्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करके रखना है। इसके बाद हमको लेना है यहाँ से ब्रश टूल लिखा है, 20 से भी ब्रश टूल आता है, सबसे ऊपर वाले ब्रश टूल को लेते हैं और यहाँ से हम इसको हार्ड, जो ज़्यादा चमकीला है इसको लेते हैं हार्ड पे।
इसके बाद हमको कंट्रोल प्लस से इस इमेज को बड़ा कर लेते हैं। हमको इस जाली को रिमूव करना है, तो दोस्तों हमको इस पर इस ब्रश की साइज़ को इतना लेना है कि इस पर ब्रश टूल से इस पर पेस्ट करना है। जैसे हमने सफ़ेद कलर लिया, सफ़ेद कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से इस कॉर्नर वाले पर क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, ब्लैक में भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो है कि जाली ब्लैक में है, इसलिए हम सफ़ेद में करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर दिखाई देगा, क्योंकि ये कहीं ब्लैक में समझ में नहीं आएगा कहाँ छूटा कहाँ नहीं छूटा। तो छूटना नहीं चाहिए दोस्तों ये जाली, इसको हमको ऊपर से इस पर पेंट करना है ब्रश से। दोस्तों हमको इसको अगर हो गया तो यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं, एडिट पे अंडू। दोस्तों हमको सफ़ेद जो ऊपर रहेगा उसी से होगा ब्रश से, तो यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करके ऊपर कर दीजिए सफ़ेद कलर, और इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों ये जाली कहीं से छूट नहीं पाए, आप यहाँ तक करके इसके बाद आप इसको यहाँ पे सीधे ला करके इसे सिधाई पे शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ तक हो जाएगा। दोस्तों ये जहाँ पे सीधी पाई होगी, जो जाली का सीधा ये छड़ है लोहा, जैसे यहाँ तक हम कर दिए हो गया, फिर इसको हम यहाँ से इसे टर्न कर दिए यहाँ तक, इसके बाद फिर हम यहाँ पे ला करके शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर देंगे, यहाँ तक ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह आप पहले एक फ्रेज को छूटने नहीं पाए दोस्तों, शिफ्ट प्रेस करके ऐसे करते जाइए, शिफ्ट प्रेस करके करते जाइए, जल्दी होगा। ये तो कहीं पे छूट जाता है दोस्तों, तो आप उसको ब्रश की साइज छोटा बड़ा करके इसको ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको कर लेते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए, फिर हम बात करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों हमको ब्रश टूल लेना है, ब्रश टूल से यहाँ से हार्ड वाला लेना है, लाइट वाला। इसके बाद हमको इस पर ब्रश की साइज इसके साइज से करना है, कहीं छूटे ना, बस इसको ऐसे ऊपर से ब्रश करते जाना है, और यहाँ पे ला करके शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। दोस्तों हम इसको जरा थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसको इसके सिधाई पे थोड़ा सा क्लिक करके तब शिफ्ट प्रेस करना है, और ऐसे करना है तभी होगा दोस्तों, नहीं तो आज यहीं से करके आप यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो उसका सिधाई ले लेगा दोस्तों, इसलिए ऐसे आपको नहीं करना है। सीधा करके आपको यहाँ से सीधा ऐसे करके एकदम सिधाई पे ला करके तभी करना है दोस्तों, और कहीं छूटेगा तो आप उसको अलग से कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों ये हमारा हो गया दोस्तों, इसको हमको अब देखना है कहीं से छूटा तो नहीं है, कहीं भी देख लीजिए, कहीं पे छूटा होगा तो आप उसको ब्रश छोटा करके इधर उधर कर सकते हैं। कहीं से छूटा रहेगा दोस्तों तो उतना छूट जाएगा जाली, इतना रह जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमको इसमें सबसे पहले हमको इस लेयर पे जाना होगा, लेयर पे बैकग्राउंड पे क्लिक करना होगा। बैकग्राउंड पे क्लिक करके हमको ऊपर वाले लेयर फर्स्ट लेयर को यहाँ से हाइड करना होगा, इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा। इसके बाद हमको कंट्रोल प्रेस करके इस जो प्रीव्यू है फर्स्ट लेयर का, कंट्रोल प्रेस करके इस प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा ये जो ब्रश था, ब्रशिंग एरिया जितना था उतना ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। बस दोस्तों वन स्टेप और है, आप देखेंगे कितना अमेजिंग
दोस्तों आप किसी भी फेस, किसी भी मनुष्य या किसी भी मतलब इमेज के ऊपर ऐसा जाली है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं आसानी से। इस वीडियो को अंत तक देखिए और आसानी से इसके पूरी जानकारी लीजिए और आसानी से रिमूव कर सकेंगे। दोस्तों आई होप कि आपको विश्वास होगा कि वीडियो अंत तक देखेंगे। दोस्तों इसके बाद हमको एडिट पर जाना है, यहाँ मेनू में फाइल के बगल में एडिट है, एडिट पे हमको नीचे फिल है, फिल पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे कंटेंट अवेयर, ये अपना कंटेंट अवेयर ऐसा मैजिक दिखाता है कि ऑटोमेटिक ये जाली हट जाएगी। दोस्तों अब इसको हमको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कंटेंट अवेयर दिखाई देगा। और अब ओपेसिटी नीचे है 100% रहने दीजिए। ये जो कलर एडेप्शन है इसको कलर एडेप्शन रहने दीजिए। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब ये कंटेंट अवेयर अपना रंग दिखाएगा, अपना जादू दिखाएगा। दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए, प्रतीक्षा करिए, हो जा रहा है अभी, ये हो रहा है दोस्तों। और हमारा कंटेंट अवेयर जो है कि प्रोग्रेस कर रहा है, थोड़ी ही देरों में आपको देखने को मिलेगा एक मैजिक। तो देखते रहिए दोस्तों कितना सटीक रिमूव होता है। ये देखिए दोस्तों हमारा जाली हट गया। अब हमको इस जो घूम रही है लेयर की बिंदी, इसको कंट्रोल प्लस डी से हटा देंगे। देखिए हमारा ये जाली हट गया। थोड़ा है जहाँ पे हम सही ढंग से पेंट नहीं कर पाए थे, ब्रश नहीं कर पाए थे, वहाँ पे हल्का फुल्का है, लेकिन देखिए हमारा ये जाली कैसे हट गया दोस्तों। तो दोस्तों था ना अमेजिंग। दोस्तों हम इसको शॉर्टकट में एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। आपको जाली हटाने के लिए एक नया लेयर लेना होगा। लेयर लेने के बाद आपको यहाँ से ब्रश टूल को लेना होगा। ब्रश टूल से लेने के बाद आपको यहाँ से हार्ड कलर पे क्लिक करना होगा, हार्ड लाइट पे। इसके बाद आपको उसको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के लिए जाली को ऊपर एक ऐसा कलर लें कि जिससे वो जाली छुप जाए। जैसे ब्लैक कलर है तो रेड ले, वाइट ले लीजिए, वाइट है तो ब्लैक ले लीजिए, एनी में कोई भी ले लीजिए। इसके बाद आप उसको उस पे ऊपर पेस्ट करके सीधा लाइन पे क्लिक करके, लाइन सीधा है तो नीचे शिफ्ट करके क्लिक कर दीजिए, जल्दी फास्ट होगा। इसके बाद हमको यहाँ पे बैकग्राउंड पे लेयर पे क्लिक करना होगा। इसके बाद फर्स्ट लेयर को यहाँ से हाइड करके कंट्रोल के साथ इस प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो जितना ब्रशेज रहेगा, लेयर सिलेक्ट एरिया रहेगा, उतना ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमको एडिट पे जाके यहाँ फिल पे क्लिक करना है। फिल पे क्लिक करने के बाद कंटेंट अवेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये जादू अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? आई होप कि आप वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना कर देना, और चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपको ज्ञान देने में। थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है, घंटे का चिन्ह, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे समय से। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।